हेलो पवन, और फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आईटी नॉलेज पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप कोई भी कार्ड को पीवीसी में प्रिंट कर सकते हो। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो शुरू से लग रहे अंत तक जरूर देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, सिखाते हैं आपको कि किस तरीके से आप अपना पीवीसी में कार्ड प्रिंट कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि इस प्रकार के नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और आने वाली सभी सरकारी वैकेंसी की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अगर आप अपने चैनल पे आए हो तो अपने चैनल के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए और पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मिलते रहेगी इस प्रकार के आने वाले वीडियो की सबसे पहले जानकारी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अपने इस एक छोटा सा लाइक तो कर ही दीजिएगा, और साथ में अगर आपको कोई पूछना हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ भी सकते हो। चलिए दोस्तों, सिखाते हैं आपको कि किस तरीके से आप पीवीसी में कार्ड प्रिंट कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले इसके लिए आपको फोटोशॉप ओपन करना होगा। फोटोशॉप ओपन करने के बाद ही जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, या तो फिर आप फाइल में जाके ओपन पे कंट्रोल हो करके और भी अपने जो पीवीसी में कार्ड है इमेज है उसको ले सकते हो। जैसा कि मैं ले लेता हूँ अपनी कोई भी कार्ड को। जैसे ये पीवीसी में कार्ड है तो मैं इसको फोटोशॉप में ओपन कर लेता हूँ। जैसे ये पीवीसी कार्ड फोटोशॉप में ओपन हो जाता है कोई भी इमेज, इस तरीके से अपना फोटोशॉप ओपन हो जाता है और अपन कोई भी कार्ड का प्रिंट पीवीसी में ले सकते हैं। उसके लिए मैं आपको उस कार्ड की क्या साइज लेनी है और किस तरीके से उसको प्रिंट करना है वो सारी डिटेल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आप अपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, कुछ इस तरीके से अपना फोटोशॉप ओपन हो जाता है। आपको एडोब फोटोशॉप 7.0 इसमें आप अपने पीवीसी कार्ड की साइज सेलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, इस तरीके से आपका कोई भी कार्ड पीवीसी में, जैसे आपको जनाधार कार्ड करना है, मैं इसमें नॉर्मली तौर पर जनाधार कार्ड को ले रहा हूँ। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको इसको या तो फिर कंट्रोल ए करके या फिर कंट्रोल एम करना है। उसके बाद में आपको अपने कार्ड को ज़्यादा ब्राइटनेस या फिर डार्क कर देना है। डार्क करने के बाद भी दोस्तों, जैसा कि आप ये जानते हो, उसके बाद में आप क्रॉप पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन आता है तीसरे नंबर पे, और यहाँ पे आपको साइज रख देनी है 8.5 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर। दोस्तों, ये आपको साइज रखनी है, खासतौर पर ध्यान देना है, और यहाँ पे रेजुलेशन 300 रखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अपन कार्ड को क्रॉप कर लेते हैं। तो किस तरीके से क्रॉप करके एंटर दबा देते हैं तो अपना कार्ड इस साइज में क्रॉप हो जाता है और अपने कार्ड को अपन सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में दोस्तों, अपने कार्ड को अपन किसी भी, जैसे इसको अपने को पीवीसी में लेना है तो इसको सबसे पहले अपन करेंगे यहाँ से इमेज के ऑप्शन पे जाएंगे और रोटर कैनवास 90°C कर देंगे। उसके बाद में इसको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए करके, कंट्रोल पी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में अपन इसको सेंट्रल पे लेंगे और स्केल टू फिट मीडिया पे करके अपन यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद में, जैसा कि मेरा प्रिंटर है कैनन G2010 सीरीज, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों, सबसे कुछ इस तरीके से अपना प्रिंटर की ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पे अगर आप अपने प्रिंटर में अगर आप कोई भी प्रिंट देते हो तो लाइनिंग आती है, तो आप फोटो प्रिंटिंग करोगे तो इसमें लाइनिंग नहीं आएगी। और यहाँ पे आप स्टैंडर्ड ग्लोसी जो भी आप रखना हाई पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको जैसे कार्ड की साइज होती है, नीचे कार्ड का साइज आ रहा है प्रिंटर पेपर साइज, तो आपको नीचे ऑप्शन आता है कार्ड, ये ले लेना है और आपको सिंपली ओके क्लिक कर देना है। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको कोई और भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो यार एक लाइक तो छोटा सा कर ही दीजिएगा, और अपने चैनल पे अगर पहली बार नए आए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।